कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलेशिया के अंदर जो इस समय में पावर टर्न हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है, जिसमें लंबे समय से चलते आ रहे रूल को मात्र कुछ ही समय के अंदर बदल कर रख दिया। और इस समय सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का इश्यू बन चुका है, जिसमें सरकार जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को एक तरीके से फेड आउट कर रही है। फेड आउट कर रही है मतलब कहने का कि जिस 60 साल के रूल से लोगों ने परेशान होकर नए रूलर को सेलेक्ट किया, उसी नए रूलर को स्कैंडल के आधार पर गलतियों को छुपाने के लिए फिर से सत्ता से हटा दिया गया और नई सरकार जबरदस्ती कोरोना वायरस की आड़ में पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र अपने हाथ में ले चुकी है। बहुत सारे क्रिटिक्स के अलग अलग व्यूज हैं, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिलहाल इस लाइन को समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। मलेशिया न्यू गवर्नमेंट यानी मलेशिया की जो नई सरकार है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी गवर्नमेंट स्कैंडल के आधार पर थी, उसी के आधार पर बनी भी है। सिर्फ ये कोरोना वायरस की आड़ में अपने ओपोनेंट्स को दबा रही है, लोगों की आवाज को दबा रही है और अपने राजनीतिक मुद्दे स्थापित कर रही है। तो इस तरीके की काफी सारी न्यूज आ रही है। बता देते हैं दोस्तों, ये न्यूज आपकी हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू के अंदर आजकल बहुत ज्यादा घूम रही है, तो हमने सोचा आपके इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट की लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे और एग्जाम में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो इनको डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों यहां पर ही हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। यदि स्टेट PCS और UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए ताकि आपको फर्दर पेनड्राइव सिलेबस की इंफॉर्मेशन दी जाए और आप घर बैठकर आरामदायक तरीके से पढ़ाई कर सके पूरी तरीके से। हालांकि हमारा ऑलरेडी जूम ऐप पर 500 स्टूडेंट्स का एक बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस दी जा रही है जूम ऐप पर। तो जो बच्चे फिलहाल क्लासेस लेना चाहते हैं वो आईडी और पासवर्ड के लिए यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लिमिटेड समय के लिए क्लासेस हैं ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं इन क्लासेस का आनंद ले सके, देख सके और पढ़ाने का तरीका समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और न्यूज की बात करते हैं। यहां पर ये पार्लियामेंट का सेशन है कोलालंपुर के अंदर, जहां पर पहली बार वहां के मलेशिया के राजा यानी सुल्तान अब्दुल सुल्तान अहमद शाह ने आकर स्पीच दी। कुछ ही समय का बेसिकली ये स्पीच था, एक ही दिन का स्पीच था, ज्यादा लंबे समय नहीं चलाया गया। इसके अंदर जब स्पीच दी गई नए राजा के द्वारा, तो यहां पर पहली चीज, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, अपनी बातों को प्रूव करने का अधिकार नहीं था। और उसके बाद कुछ ही समय की मीटिंग के बाद ये जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, जुलाई तक के लिए इसे फर्दर आगे पोस्टपोन कर दिया है कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से। और बता देते हैं कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है यहां नहीं, पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर जितने भी लोग हैं ये मास्क वियर किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए हैं ताकि ज्यादा वायरस कांटेक्ट में ना आए और लोग साफ अपने आप को बचाए रखें। तो यहां पर एक तरीके से इन्हें जब बोलने का अधिकार नहीं मिला और एकदम से तख्ता पलट जो हुआ है सरकार का, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरा नजर आ रहा है मलेशिया की लोगों को। तो चलिए इससे न्यूज क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज यहां पर जो न्यूज आई वो क्या थी कि मलेशिया पार्लियामेंट के अंदर सभी लोग अपने आप को पीपीई किट के आधार पर जितना पॉसिबल था वहां पर मास्क पहने हुए थे, ड्रेसेस थी, दूरी बनाए हुए थे और सिर्फ एक दिन का ये पूरा का पूरा सेक्शन चला। नॉर्मली क्या होता है कि किंग लाइक प्रेसिडेंट, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही वहां पर किंग है जो सर्वोपरि है, सुप्रीमो माना जाता है। तो उसने वहां पर क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर बोला, 1-1.5 घंटे के लिए बातचीत हुई। इस बातचीत के अंदर दोस्तों वही डिक्टेटर वाले नियम थे, जबरदस्ती की पॉलिसी थोपी गई जिसमें लोगों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था।
अपनी वोट डालने का अधिकार नहीं था, और जब बोलने और वोट डालने का अधिकार नहीं था तो सिर्फ उन्हें पपेट की तरह सुना गया कि भाई तुम सिर्फ सुनोगे, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर इतना बोला गया, 1.5 घंटे तक का भाषण दिया गया और उसके बाद इसे जुलाई तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। बता देते हैं, लगभग 60 सालों से ऑलरेडी जो गवर्नमेंट चल रही थी उस गवर्नमेंट को हटाकर 2018 में हटाया गया वोटिंग के द्वारा, और वोटिंग के द्वारा जो गवर्नमेंट हटाई गई उसके बाद 21 महीने का रूल चलाया गया जो नॉर्मल प्रेजेंट की गवर्नमेंट थी, और प्रेजेंट की गवर्नमेंट को हटाकर फिर से यहां पर रिजल्ट को रिवर्स कर दिया और दोबारा जो ऑलरेडी करप्ट गवर्नमेंट थी जिसे 2018 में हटाया गया था उसको दोबारा से थोप दिया गया है, दोबारा से उसी सरकार को वहां पर लागू कर दिया गया है। अब इन सबके पीछे बहुत सारे नियम है, लीडर्स जितने भी अपोजिशन के हैं यानी कि जो सरकार गिराई गई है अभी प्रेजेंट में, उनके लीडर्स को इकट्ठे होने का अधिकार नहीं है, यानी कि उनसे काफी सारे नियम छीन लिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। कोई मीटिंग नहीं हो सकती, कोई आपस में कंसोलिडेट नहीं होगा, कोई उनके पास पावर नहीं है, सारी पावर सस्पेंड कर दी गई है। उनको अपोजिशन को एक तरीके से दबाया जा रहा है और उनको बात खत्म नहीं करने दी जा रही, यानी कि अपने आप को एक तरीके से मोशन प्रूव करना होता है कि हाँ भाई इतने मेंबर हमारे पास है, वो भी प्रूव नहीं किया गया। तो ये यहां पे मलेशिया का आप नक्शा देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा एक ऐसा सिटी है जो पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल को फॉलो करता है, ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे चलती है बिल्कुल सिस्टम को वैसे ही चलाया जाता है। लेकिन अब ये जो तख्ता पलट है ये एकदम से दिक्कत का कारण बन चुका है। मलेशिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टिव मोनार्की चलती है, जैसे कि नॉर्मली यहां तक का सिस्टम देखा जाए तो सेंटर प्लस स्टेट मिलकर रूल चलाते हैं जिसमें इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को चूज किया जाता है। बट यहां पे जो मोनार्की सिस्टम है, हमारे देश में मोनार्की नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। यहां पे मोनार्की का मतलब प्रेसिडेंट की जगह यहां पे राजा होता है और राजा ही अपने रूल को चलाता है। अब मैंने जैसा कि कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेगेसी चलती आ रही है तो यहां पर भी वही चीज है। अब अगर बात करें तो हेड कौन है, यह यहां पे यांग दी परतुओन अगोंग यहां के राजा हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई भी राजा होगा यहां पे 5 साल के लिए चुना जाएगा, जो भी 5 साल के लिए चुना जाएगा वो चुना जाएगा नो हेरिडिटरी रूलर्स के द्वारा, यानी कि ये सारे खानदानी एक ही परिवार के वंशज हैं जिनको चुना जाता है। बाद में इसमें अगर बात की जाए तो गवर्नर्स को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता सिलेक्शन के अंदर। इससे पहले 2019 तक के अब्दुल ऑफ पहांग जो थे इधर 2019 तक चले थे, जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे संभाला हुआ था। अब आ जाती है बात यहां पर कि पार्लियामेंट, जिसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव को दीवान रियाकत कहा जाता है, यहां पर वही दो सिस्टम है जैसे इंडिया में है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस ये वही सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्शन में 222 सीटों के अंदर से मिनिमम आपको सीटें यानी मैक्सिमम सीटें लानी पड़ेंगी तब जाकर आप अपनी सत्ता में आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा गवर्नमेंट का इलेक्शन सिस्टम है। जैसे इंडिया में क्या है, 347 सीट्स है, तो 347 सीट्स के अंदर से भाई मैक्सिमम सीट्स आएंगी तो आप इलेक्शन में जीत पाएंगे। यहां पर भी वही सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए चलाई जाएगी। इसके बाद 70 सेनेटर्स होते हैं जो 3 साल के लिए आते हैं, 26 इलेक्ट होकर के आते हैं, जबकि 13 जो होते हैं वो राजा, 13 जो होते हैं वो स्टेट असेंबली के आते हैं, इसमें से 44 जो होते हैं वो राजा के द्वारा रिकमेंडेशन पर लाए जाते हैं। यहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है प्लस गठबंधन की सरकार बनती है। दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अलग अलग एजेंडाज को लेकर चलती हैं और एजेंडाज के आधार पर जब विरोध में कोई पार्टी को हराना हो तो ये यहां के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं। यहां पे 2018 के अंदर इलेक्शन में नई पार्टी आई थी और जो नई पार्टी आई वो 5 साल के लिए आनी थी, जिसने हराया था एक ऐसी पार्टी को जो 60 साल रूल करके गई है। तो दीवाने रियाकत की बात करें तो जब यहां पर वोटिंग हुई तो यहां पर 18 साल के बाद ऐसा सेशन आया जहां पर सरकार बदली, नहीं तो इससे पहले सेम रूल चलता आ रहा था। तो कौन सा रूल था, अब इस रूल को समझ लेते हैं। यहां पर ये इलेक्शन सिस्टम है दोस्तों, यहां पर इन दो लोगों को ही जान लीजिए, नजीब रजाक और महतीर मोहम्मद, इनका कोई खास रोल नहीं, इनको हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं, लंबे अरसे से, बहुत लंबे अरसे से नजीब रजाक की सरकार चल रही थी, 2009 से 2018 तक, जनवरी 2018 तक ये यहां के सुप्रीमो रहे, इनके पास सारी की सारी ताकत थी। अब सारी की सारी ताकत थी तो इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे, करप्शन के चार्जेस के बाद इन्हें
कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इनके पक्ष का होता था उसी को ही बेसिकली ये कहते हैं ना नेपोटिज्म वाली बात, भाई भतीजा वाली बात कि भाई हम अपने परिवार के सदस्यों को इस सरकार की सीट देंगे। तो ये अपनी जान पहचान के लोगों को सरकार में बिठाते थे और इन पर बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगे। जब चार्जेस लगे तो यहां पर चार्जेस लगे तो सरकार जो थी ये लोगों को पसंद आनी बंद हो गई और नजीब रजाक की सरकार क्योंकि करप्ट थी तो इसे हटाना जरूरी था। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर महतीर मोहम्मद जो थे 222 में से 112 सीटें लेकर आए बहुत मुश्किल से और फाइनली इलेक्शन जीत जाते हैं। सन 2018 के अंदर इन्हें बिठाया जाता है सीट पर और 2020 के अंदर यानी कि 21 महीने के अंदर अंदर ही इनको यहां से हटा दिया जाता है। रीजन हम बताएंगे क्यों इनको हटाया जाता है, लेकिन अभी समझ लीजिए नजीब रजाक जो थे लोग जो थे वहां की पॉपुलेशन जो थी वो इनसे परेशान थी, इसीलिए इन्हें वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद महतीर मोहम्मद आए। महतीर मोहम्मद का एक छोटा सा फैक्ट समझ लीजिए, ये संसार के सबसे बुजुर्ग सेक्शन की बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा मतलब सीट पे बैठने वाले सबसे बड़े उम्र के बंदे हैं। इनकी 95 एज है, 95 साल की उम्र में इन्होंने बेसिकली सीट इस समय छोड़ी है, तो बहुत ज्यादा उम्र है। इतनी बड़ी उम्र का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपको दिखाई नहीं देगा। महातिर मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यहां पर सीट हासिल करी थी और हासिल करने के बाद यहां पर अब 21 महीने बाद इन्हें हटा दिया गया। अब हटाने का रीजन समझ लीजिएगा कैसे। ये मलेशिया के जो किंग है इनके सामने, मलेशियन किंग के सामने महातिर मोहम्मद, ये महातिर मोहम्मद साहब है 95 इयर्स, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। अब इस सिनेरियो को बहुत ध्यान से समझना है। 21 महीने के टेन्योर में इन्होंने रिजाइन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स थे जिन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी को छोड़ दिया, पाकिस्तान हड़प्पन कॉलिजन को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया जो कि यासिन मोहम्मद यासिन की, ये मुहैयद्दीन यासिन की पार्टी थी, इसको सपोर्ट किया। यहां पर इनकी पार्टी जो होती है गिर जाती है, यानी कि अपना जब नंबर ऑफ जो बंदे थे वो पूरे नहीं पड़ते, मेजॉरिटी इनकी कम होने लगती है, अपनी मर्जी से ये क्या करते हैं रेजिग्नेशन देते हैं। इनसे कोई रेजिग्नेशन मांगता नहीं है, ये रेजिग्नेशन खुद दे देते हैं। रेजिग्नेशन देते हैं तो अपोजिशन में यासिनी की जो सरकार होती है लोग होते हैं ये अपने आप को प्रूव कर देते हैं, जबकि अभी कोई मोशन नहीं होता, कोई एग्जाम्पल नहीं होता और ये अपनी पार्टी को लेकर आते हैं जो एक्सेप्ट हो जाती है। किस तरीके से भाई इन्हें आठवां प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर लिया जाता है। पॉलिटिकल टर्मोइल आता है क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है जबकि ये पार्टी बिना इलेक्शन के आ जाती है, बिना इलेक्शन के आ जाती है। इन्होंने कोई कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं किया, कोई अपनी बातें प्रूव नहीं की और आते के साथ ही लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और इन्होंने सभी चीजों पर बैन लगा दिया है। बैन लगा दिया यानी कि अब कौन कौन से बैन लगाए हैं वो भी अभी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब इनकी सरकार आई तो सरकार आने के बाद इन्होंने जैसे ही मोहम्मद यासिन की सरकार आई तो इन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले उसी व्यक्ति से संबंध बना लिए, उसी व्यक्ति से कॉलिजन कर लिया जो व्यक्ति यहां पर ये जो नजीब रजाक है उससे दोबारा से रिलेशन बना लिए। दोस्तों दोबारा से इनसे रिलेशन बना लिए किसने, यासिनी ने उनसे रिलेशन बना लिए यानी कि संबंध बनाकर पार्टी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब सिंगल ये पार्टी बन चुकी है। पार्टी बनने के साथ ही इन्होंने उनके फेवर में डिसीजन लेना शुरू कर दिया और अपोजिशन को दबाना शुरू कर दिया। अब अपोजिशन को कैसे दबाया देखते जाइए। सबसे पहली बात, यहां के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए रिस्ट्रिक्शंस के। रिस्ट्रिक्शंस किसकी वजह से थे, कोरोना वायरस की वजह से थे। कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्होंने पूरी की पूरी जो एबिलिटी थी ओपोनेंट की विरोधी दल की वो खत्म कर दी, यानी विपक्षी दल अभी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना इकट्ठे हो सकते हैं रोड पर, ना ही कोई स्टेप उठा सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, दूरी बनानी है, बीमारी फैल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से बिल्कुल अपोजिशन को अभी खत्म कर दिया। दूसरी चीज, तबलीगी जमात यहां पर सबसे बड़ा हेड ऑफिस है जिसकी वजह से लगभग अभी मार्च के अंदर न्यूज आई थी कि 700 अगर केसेस हैं तो मैक्सिमम केसेस यानी 2/3 केसेस जो है तबलीगी जमात की वजह से वहां पर भी फैले हुए। अब तबलीगी जमात की वजह से फैले हैं तो इनका इसको बेनिफिट मिल गया और ज्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इकट्ठे होने से मना कर दिया। तीसरी जगह क्या आया कि इन्होंने जब इकट्ठे होने से मना कर दिया, अपनी बातें प्रूव नहीं कर रहे, मार्च के सेशन को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और पोस्टपोन करने के बाद अब ये फिर से जुलाई तक चला गया। इस बीच के अंदर इन्होंने क्या किया,
जो लोग प्रोटेस्ट के लिए थे उनको हटा दिया और दोबारा से नजीब रजाक के साथ जुड़ गए। अब इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। नजीब रजाक के साथ जुड़ने के बाद सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, नजीब रजाक के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने अपने जो फेवर के व्यक्ति थे उनको पोस्ट पर बिठाना शुरू कर दिया और जो लोग ऑनेस्टी के आधार पर आए थे उनको पोस्ट से हटाना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने यहां पर एक सिंपल सा सेक्शन है, 73 मेंबर्स को अपनी परिस्थिति में रखा, 19 लॉ मेकर्स जो थे कानून बनाने वाले थे उनकी भी पोजीशन अपने अनुसार सेट कर दी कि भाई मेरे अनुसार नए बंदे आएंगे और पावर में फाइनली ये धीरे धीरे रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन को कहते हैं तुम कुछ नहीं करोगे और यहां पर ये अपनी पावर को रिटेन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और वोटिंग्स खरीद रहे हैं पैसे के दम पर। दूसरी तरफ यहां पर बेसिकली अपोजिशन बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक तरीके से सॉर्ट्स ऑफ मंकीज बिजनेस हो गया, एक तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करके मूर्खों की सरकार बनाई जा रही है पैसे के दम पर और ताकत के दम पर, कोरोना की आड़ में अपने आप को उठाया जा रहा है, ऐसा वहां के प्रोफेसर जेम्स चिन ने अपोज किया है जिसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया है। अब बात करते हैं, ये वही व्यक्ति है रजाक साहब जिनका करप्शन का काफी ज्यादा आरोप थे। करप्शन के आरोप में पहली चीज, इन पर बिलियंस ऑफ डॉलर का करप्शन का आरोप था जो गवर्नमेंट के फंड से इन्होंने चोरी किए। इसके बाद जब गवर्नमेंट के फंड से चोरी किए तो इनके ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस भी थे, यानी जो इनके खिलाफ बेसिकली कंप्लेन करने की कोशिश करता था उसको बहुत बुरी तरीके से पेनल्टी दी, मतलब एक तरीके से सजा दी जाती थी। तो अब इन पर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस भी हैं और सरकार के अंदर इनके कोर्ट में काफी सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं। ऐसा ही नहीं, इनका खुद का जो बेटा है स्टेपसन रजा अजीज जो है वैसे भी हॉलीवुड की मूवी में प्रोड्यूसर का काम करते हैं, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और इन पर भी करप्शन के चार्जेस थे कि 83 मिलियन का इन्होंने करप्शन किया जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसके बाद ये गायब भी हो गए थे। तो ऐसे ये इन पर बेईमानी के दाग थे, करप्शन के बाद क्रिमिनल चार्जेस थे और दोबारा से यासिन का जो मलेशियन करप्शन की बेसिकली नजीब रजाक रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ संबंध बिल्कुल से कॉलिजन पार्टी बनाने के अंदर। अब एक तरीके से यहां पर ये सेक्शन आ गया, दूसरी तरफ अब विरोध जो है बढ़ता जा रहा है, ब्लॉग्स के अंदर अलग अलग तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अभी अभी अपनी पोस्ट छोड़ी है, उन्होंने क्लियरली मना किया है कि डिसमिस किए जाए। अब जैसे एक चीज समझिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनकी बुराई करी, जबकि पार्टी में आने के बाद नजीब रजाक ने सारे के सारे केसेस और चार्जेस से अपने बेटे पर सारे हटा दिए, यानी कि यहां पर जो 83 मिलियन का करप्शन का चार्ज था ये हटा दिया गया। अपने ऊपर जितने भी करप्शन के चार्जेस थे जाहिर सी बात है पार्टी में आ गए, पावर में आ गए, तो इन्होंने क्या किया वो भी हटा दिए। लोग बुराई कर रहे हैं करने दो, लेकिन अब ये चोरी के इल्जाम भी जो है हटते जा रहे हैं, पब्लिक जो है गुस्से में है और समझने लग गई है कि एक तरीके से मलेशिया की डेमोक्रेसी को हर्ट किया जा रहा है और उसको समाप्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यहां पर कोई इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन की विक्ट्री भी नहीं है और विदाउट इलेक्शन विक्ट्री के बाद भी अपने रूल्स को बेसिकली थोपना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो कॉलिजन के बाद में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यासिन साहब जो हैं, ये बेसिकली एक तरीके से डेमोक्रेसी के धीरे धीरे जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं उनको खत्म करते जा रहे हैं और अपनी पार्टी को और स्ट्रॉन्गर वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच में वहां की जनता, वहां के लोग और भी बहुत सारे हैं जो बुरी तरीके से इसका विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन जुलाई से पहले अभी कोई सेशन होना नहीं है, जुलाई तक के लिए ये सारा का सारा सेशन क्या है दोस्तों, अबॉर्ट किया, बंद किया गया है, रोका जा चुका है। अब जुलाई तक इधर कोई सेशन होना नहीं और इस बीच में मोहम्मद जो मुहिद्दीन यासिनी है या अपनी जो पूरी की पूरी मेजॉरिटी है अपने लोगों की वो ले आएंगे और इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को खत्म करके एक करप्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट से रूलिंग में आ जाएंगे और अपना रूल चलाएंगे। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं जिसके अंदर दोस्तों सारी चीजें क्लियर हैं, करप्ट गवर्नमेंट का आना और नियमों को थोपना कोरोना वायरस की आड़ में और विरोधी दल को रोकना, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो, एक स्कैंडल की तरह सामने आ रहा है और जनता के विरोध का भी वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।